अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। ओके क्लास वन, टुडे आवर यूनिट नेम इज़ द एनिमल वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट टिक द बेस्ट। वी हैव फाइव स्टेटमेंट्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज लैंड्स एनिमल्स हैव डैश टू हेल्प देम मूव ऑन लैंड। लैंड एनिमल्स के पास क्या चीज़ होती है जिसकी मदद से वो लैंड के ऊपर मूव करते हैं? ऑप्शन ए इज़ हेयर्स। क्या वो हेयर्स की वजह से लैंड पे मूव करते हैं? ऑप्शन बी इज़ हेड। क्या वो अपने सर की वजह से लैंड पे मूव करते हैं? ऑप्शन सी इज़ आर्म। क्या वो अपने बाजुओं की वजह से मूव करते हैं? एंड ऑप्शन डी इज़ लेग्स, विच इज़ अवर करेक्ट आंसर। जो सारे एनिमल्स हैं वो अपनी टांगों की मदद से ज़मीन पर चलते हैं ना, सो आवर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी विच इज़ लेग्स। आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फिश लिव इन। फिश लिव इन, मछली कहाँ रहती है? लैंड, ज़मीन पर, एयर, हवा में, अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे, या वाटर, पानी में? तो हमें पता है जैसे कि फिश कहाँ पर रहती है, पानी में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। द थर्ड स्टेटमेंट इज बर्ड हैव डैश टू फ्लाई। जो बर्ड्स होते हैं इनके पास क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी मदद से ये फ्लाई करते हैं? ऑप्शन ए लेग्स, ऑप्शन सी बीक, ऑप्शन डी हेड, इनका सर। नो, ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी विंग्स। उनके पास पर होते हैं ना, वो परों की मदद से हवा में उड़ते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज विंग्स। आवर फोर्थ स्टेटमेंट इज एनिमल्स मूव टू फाइंड। एनिमल मूव करते हैं क्या फाइंड करने के लिए? ए फूड, बी एयर, सी वाटर एंड डी मीट। एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज फूड। Our last and five statement is the dash is an air animal। इनमें से, इन options में से कौन सा एक ऐसा है जो कि air animal है, जो कि हवा में उड़ने वाला animal है? So बारी बारी हम लोग options को देखते हैं। Option A is hen, मुर्गी। मुर्गी क्या हवा में उड़ती है? No। B fish, fish हवा में उड़ती है? No, वो तो पानी में रहती है ना, वो तो water में रहती है। डॉग, डॉग क्या हवा में उड़ता है? नो। एंड हेयर वी गो, दिस इज ऑप्शन नंबर सी विच इज बैट। एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर विच इज बैट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वी विल